सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैंटम स्टूडियोज एंड वेलकम टू अनदर कॉल ऑफ ड्यूटी वीडियो। तो ये वाले गेम प्ले होने वाला है 1v1 बट तनवीर या फिर ब्लीडिंग ट्रूपर्स, इसका भी चैनल। और जिन्हें नहीं पता, बेसिकली ये फैंटम गेम का एक फ्रेंड है। सो इस वाले मैच को हमने करा न्यूक टाउन के अंदर। तो यहाँ मैंने DRH लिया और मैं सीधा गया रश करता हुआ यहाँ पे, और ये अपनी विंडो पे था तो मैंने इसको फटाफट से किल लिया और फर्स्ट ब्लड भी हमने ले लिया। और इसका लेवल आई थिंक मेरे से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये अपने आप को कहते हैं कि मेरे को बने होने हरा देगा, तो मैंने सोचा ठीक है यार, चैलेंज करते हैं। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये मैच ही उससे 3-4 दिन पहले, तो ये यहाँ पर नहीं आया। मैंने इसको पूरी कोशिश करी, भाई तू ऊपर आ, मैंने यहाँ ट्रिप माइन लगा रखे थे, मैं बिल्कुल रेडी था। देखो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, इस मैच में बिल्कुल मस्त अपना चिल खेलना है, तो बहुत ईजी होने वाला है मैच। लेकिन मैंने तब भी DRH ली, पता नहीं क्यों भाई इतना गुस्सा निकाल दूँ लोगों पर। मैंने पहला किल लिया। भाई जो टैंक स्टेयर है ना, ये तनवीर, मेरे को इसकी सबसे गंदी बात ये लगती है कि यार ये हमेशा आके वुडन स्टेयर से अंदर मोलोड ऑफ फेंक जाता है और मेरे को किल ले लेता है। तो यार यहाँ ट्रिप माइन फटा और भाई हमें किल मिल गया, बहुत सही किल मिला था यार ये वाला। मैं वापस नीचे आया, मैं हर जगह घूम रहा हूँ इस टाइम, इसको पता ना चले कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे हूँ। तो मैं यार जल्दी से साइड हुआ यहाँ पर था और इसने ले लिया एक सर अपना फर्स्ट किल। तो 3-1 है और यार टाइम आप देख ही सकते हो, 8 मिनट्स बचे नहीं है, अभी 9 बचे हैं, ऑलमोस्ट 8 भी नहीं कहेंगे। यार मैं पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ, बोलता भी क्या क्या रहता हूँ यार, मैं हरकत ही ऐसी। तो यार चलो गेम पे वापस आते हैं। उसने एक और किल ले लिया, कन्फ्यूशन मैंने फेंका था, उस चक्कर में यार मेरा वेपन स्वैप नहीं हो पाया फटाफट से। तो मैं यार सीधा ऊपर गया, मैंने कहा यहाँ पर कैंप करते हैं। अब पता नहीं मेरे को कैंप करने इतना अच्छा क्यों लगता है न्यूक टाउन में, पता नहीं क्योंकि मेरे को शायद उससे किल बहुत मिलते हैं। और जब से मेरे पास ये पर्क के इतने टाइम से मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट करा, मेरे को ज़्यादा ही शौक चढ़ गया सच्ची में ट्रिप माइन फेंकने का। पर भाई यहाँ ये ट्रिप माइन से बचा, लेकिन मैंने इसे अपनी DRH से मार दिया, क्योंकि मेरी DRH से बचना बहुत मुश्किल है यार। मेरी DRH बहुत ओपी चीज़ है, जितना ओपी मैं उतनी ओपी मेरी DRH है। तो यार फिर इसने अपना नेटवर्क उड़ाना शुरू कर दिया यार इसी के साथ, और ये कनेक्टेड वनेक्टेड होने लग गया बीच में। तो उसके बाद मैंने निकाली अपनी LK24। तो ये भाई ये अपनी DRH यूज़ कर रहा था, मैंने कहा अब इसको एक्यूरेसी से हम जवाब देंगे, नाइक की डैमेज से। तो मैं सीधा अपनी ले आया LK24 और मैंने सीधा रश करने का ट्राई करा, और यहाँ पे ये ऊपर ही मेरे को विंडो में दिख गया था, लेकिन नहीं ये अंदर चला गया था फिर थोड़ा सा, तो मेरे को यहाँ दिख रहा था। तो मैंने थोड़े से ट्रिप माइन फेंके अंदर, मैं बहुत ओवर कर देता हूँ चीज़ों को वैसे सच्ची में, लेकिन मैंने फिर रश करा पीछे से। ये जी अपना यहाँ बैठा हुआ था आराम से मेरी गन उठा के, भाई मेरे को गुस्सा आया, सर मेरी गन उठा रखी है, और भाई हद होती है, लेकिन अच्छा लगता है यार। कई छोटे छोटे बच्चे जब तुम्हारी गन उठा रहे हैं, थोड़ा तुमसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो अच्छा सा लगता है यार, समझा करो। तो मैं पीछे से गया और यहाँ भाई इसके हाथ में फिर शायद मेरी गन है, इसने अपना बैट निकाल लिया। जी हाँ, इसने मेरी गन फिर से चुरा ली है। तो यार बार बार मेरी गन पिक कर रहा था, मैंने फटाफट से अपनी LK24 को खोला, स्कोप रेडी करी और अपना बैट गया, लेकिन ये यहाँ पर नहीं था, ये पता नहीं कहाँ ये आ रहा था, और मैंने इसको मार दिया। अब जब से LK24 मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त गन है यार ये, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, बहुत सही है। इसकी स्पेसिफिकेशन मेरे को इस टाइम याद तो नहीं है, लेकिन मैं उसे आपको कभी, आपको अगर ऐसी कोई वीडियो चाहिए मेरे गन्स की स्पेसिफिकेशन, कौन सी अटैचमेंट यूज़ करता हूँ और मेरा लोड आउट रिव्यू अगर देखना है, तो कमेंट करके बताना, पक्का वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अभी वैसे मेरी टेस्टिंग चलती रहती है धीरे धीरे गन्स में। मैंने अपनी LK24 का जो सोचा था वो तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि जब मेरे पास एक गन थी तब इसका लेवल बहुत कम था, अब 45 लेवल की हो गई है मेरे LK24। और बेसिकली मैंने इसको यूज़ करना तब स्टार्ट किया था जब मेरे को लगा कि मुझे अग्रेसिव गेम प्ले करना, और ये फैंटम गेमिंग से जब मैं एक बार ही हारा था, मैंने इसके बाद से इसको रखना स्टार्ट किया। और ये गन सच्ची में यार मेरे लिए गुड लक है बहुत बड़ा। और यार DRH तुम्हारी OP है, मतलब मेरी DRH एक ऐसी गन है जिसको मैंने यूज़ करना फैंटम गेमिंग को हराने के लिए शुरू किया था, आफ्टर द 4v4 मैच जिसके अंदर हम हारे थे। और यार इसके अंदर इतने ज़्यादा आज तक चेंजेस आए हैं, कभी इसका स्टॉक, कभी लेवल, फिर मैंने इसको गोल्ड किया, अटैचमेंट्स, मैं इसके ऊपर सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, और फाइनली अब ये है मेरी DRH मैक्स लेवल की, जो है गोल्ड DRH है मेरी। इसकी स्पेसिफिकेशन भी मैं बताऊँगा, लेकिन मैं यार रिवील नहीं करना चाहता। और बाय द वे जो मेरी AK-47 है, इसको मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में चेंज कर रहा हूँ, मेरे को इसे फैंटम गेमिंग के AK जितनी स्ट्रॉन्ग बनाना, तो आई थिंक वो हाई कैलिबर वाला एमओ यूज़ करता था, तो मैंने भी अपनी मैक चेंज कर लिया, एक्वायर कर लिया मैंने इसको, उसके लिए बहुत सारे लॉन्ग शॉट्स लेने पड़े यार मेरे को, 4.4x वाली स्कोप लगा कर उसको स्क्रैप यार्ड में मैच खेलने पड़े उसके चक्कर में। और चलो यार कमिंग टू द गेम अगेन, यहाँ पर 10-5 हो चुका है स्कोर, तो यार मैंने ऑलमोस्ट उससे डबल कर रखा है स्कोर, ऑलमोस्ट यार डबल ही है हमारा स्कोर। और मैंने टेम्पेस्ट निकाल ली इसके बाद, टेम्पेस्ट यार ठीक ठाक गन है वैसे, अपने आप निकल गई थी उस टाइम में, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन निकल गई, अपने आप हो जाता, देख लो अपने आप हो जाता, सच्ची में अपने आप हो जाता। तेरे यहाँ पर था, इसने मेरे को फिर मारा डी आर एच से, तो मैंने यार उस टाइम सोचा कुछ नहीं, मैंने वापस अपनी एके निकाल ली। मैं यार गन्स को बहुत बेकार चूज़ करता हूँ, लेकिन अगर मुश्किल मैच होता है तो मैं बहुत ध्यान से गेम को खेलता हूँ। जैसे आपने कल जो फैंटम गेमिंग वाला मैच था उसके अंदर आपने देखा मैंने क्या मस्त तरीके से सारी चीज़ें यूज़ करी। मैंने रश कम करा था, मैंने कैंप ज़्यादा करा था, मुझे लगता है वो भी डरा हुआ था, मैं भी थोड़ा सा वो था कि यार मैच कौन जीतेगा, क्योंकि मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो दोनों ही कैंप कर रहे थे कल तो। और भाई जो बंदे स्कोप लगा लेते हैं ना डी आर एच पे, तुम समझ जाओ वो नूब है। अच्छा जिन्होंने भी अपनी डी आर एच पे स्कोप लगाए हैं ना, तुम समझ लो वो नूब है। तुम आंखें बंद करके सीधा कहो ये नूब है, और वो सच्ची है। तुम किसी भी प्रो से पूछोगे ना, वो तुम्हें यही बात बताएगा कि जो अपनी डी आर एच पे स्कोप लगा देते हैं भाई वो नूब घोषित हो जाते हैं, उस पर तुमसे कुछ नहीं कर सकते। और यार हमारे यहाँ AK-47 इन फुल एक्शन, मैंने पहले अपनी AK-47 को ऐसा कस्टमाइज़ किया था, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, गूगल पे भी चेक किया था, वेबसाइट्स भी चेक करी थी बेस्ट अटैचमेंट्स AK-47 के लिए। मैं से परफेक्ट असॉल्ट बनाना चाह रहा था, लेकिन वो AK-117 मेरी ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन फैंटम गेमिंग की 117 देखने का मेरे को भी अब थोड़ा हो रहा है कि यार शायद स्कोप लगानी चाहिए उस पर, लेकिन अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, वो बहुत सही है अभी तो। और यार यहाँ लेटा पड़ा था, तो इसके बाद गाइस मिस मत करना, पूरी वीडियो देखना एक और मैच है इसके बाद। तो इसके बाद भाई ब्लीडिंग ट्रूपर जो है, मैंने इसकी यार ये गन उठा के देखी डी आर एच, तो ठीक ठाक लगी, लेकिन स्कोप नहीं लगानी चाहिए, मैं सच में कह रहा हूँ स्कोप मत लगाना। और यार डी आर एच दिखती भी मस्त नहीं है स्कोप लगाने के बाद। तो इसके बाद एक और मैच हुआ जो था 2v1 मैच, तो भाई इसने अपना कोई शायद कज़न ब्रदर या अपने किसी दोस्त वोस्त को बुला लिया ब्लीडिंग ट्रूपर्स ने, तनवीर ने, और 2v1 किया। और तब भी अब मैं रिजल्ट से बोलूँगा, तुम देख लो, तो वैसे तो गेस कर ही लेते हो आराम से कौन जीता होगा। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से क्रायो को तोड़ा, और ये रही मेरी AK-117 जो उसकी इतनी देर से बातें कर रहा हूँ कि यार ये परफेक्ट है, तो ये सच में परफेक्ट है। जो मेरी AK-47 थी मैंने उसको यार बिल्कुल पहले तो इतना मस्त डिज़ाइन किया था कि बिल्कुल रिकॉयललेस हो गई थी। उसके बाद मैंने यार उसका वो स्टॉक ही हटा दिया मेरे को, क्योंकि मोबिलिटी ज़्यादा बढ़ानी थी ताकि मैं ज़्यादा रश कर पाऊँ, ज़्यादा मूवमेंट स्पीड बढ़े मेरी, ये सब करने के लिए मैंने ऐसा करा था। अभी भी मेरी काफ़ी गन्स पर स्टॉक नहीं है, लेकिन अब मैं धीरे धीरे वापस स्टॉक रख रहा हूँ, क्योंकि यार मेरी एक्यूरेसी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है इस चक्कर में। और मैं अपनी गन्स को लाइट बनाने का ट्राई करता हूँ, एक्यूरेसी और लाइट होनी चाहिए, आगे आपको कुछ भी नहीं करना, मोबिलिटी एक्यूरेसी पर ध्यान दो, और आपको कुछ भी नहीं देखना अपनी गन में। इसके बाद मैंने आरईएस निकाली, मैं सारी गन्स एक ही मैच में यूज़ करना चाह रहा था कि मेरा सारी गन्स, उसके बाद मैं देखने लग गया था, ये देख ही सकते हो बटन ऐसे छोड़ गया था, उसके बाद वापस आया भाई मैं, तो भाई अपना ये पता नहीं कहाँ छुपा पड़ा है, और स्कोर तो डबल है ही, 918 हुआ पड़ा है, कंफ्यूजन फटका, लेकिन इसने मेरे को मार दिया अपनी AG-40 से। ये बहुत मैच AG-40 से खेलता है, और इसकी AG-40 ठीक भी है, सही बना रखी है, मस्त खेलता है AG-40 के साथ। तो ये इसके मैंने पहले मैच बहुत सारे स्पेक्टेट करे थे, उसके अंदर बहुत सही खेल रहा था AG-40 से अपने उसी कज़न के साथ, या दोस्त मेरे को नहीं पता उसका नाम, बस एजेंट पता नहीं, आगे बहुत बड़ा नंबर है पूरा। तो यहाँ मैं आ रही हूँ उसके साथ जा रहा था, तो मैंने इक्वलाइजर निकाल लिया, 18-11 हो गया था स्कोर। तो भाई अब ये किल ले रहा था, हमारे को किल मिल ही नहीं रहे थे। इसके बाद देख ही सकते हो यार मेरी फ़ोन में बैटरी हमेशा ही ख़त्म होती रहती है, मैं भाई हूँ ही ऐसा, मैं क्या करूँ। मैंने फिर कहा कि नहीं यार इससे काम नहीं बनेगा, वापस हमें AK निकालनी पड़ेगी हमें। और यार AK-117 सच्ची बहुत मस्त गन है मेरी, तो थैंक्स टू AK-117। और लास्ट वीडियो में DRH हीरो थी, पर AK-117 है, तो हमें हेड शॉट भी मिल गया, तो तुम्हें आधी स्पेसिफिकेशन तो ऐसी ही दिख गई होगी गन पे, तो बहुत सही है, मतलब AK-117 बहुत सही है। और इसे अगर आगे और अच्छे से मॉडिफाई करा जाए और इसको प्रैक्टिस करा जाए इस गन के साथ, तो ये वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट वेपन्स बन सकती है। और गाइस इसी के साथ बचा था 1 मिनट, तो जो दूसरा मैच है उसके अंदर मैं कमेंट्री बिल्कुल भी नहीं करने वाला, वो सिर्फ पीछे म्यूज़िक होगा और आप उसको ऐसे ही देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कमेंट्री मेरा करने का आज मन नहीं कर रहा। मैं कर भी देता है लेकिन यार कितनी ज़्यादा करूँगा खुद ही सोचो। इस मैच में मैच के बारे में कम, हर चीज़ मैंने अपनी बाकी डिस्कस करी है, और वापस आ गई मेरी DRH। तो गाइस DRH को हमेशा यूज़ करो ना, तो सबसे पहले DRH पर OTM मैग तो लगाना कंपलसरी है, आई थिंक वो सब लगा ही लेते हैं अपने आप ही। और यार कंफ्यूजन फैक्टर का था, तो ये मेरे को मेरे स्पॉन में मार रहा था, मतलब मेरे को इतना नूब समझता है कि मेरे को इनविंसिबल होके मार देगा, तो गलत है टैंक से। तो यार इसके यार मस्त हारा। उसके बाद मैंने इससे एक और मैच किया, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो
उससे एक दिन पहले जस्ट मैंने उससे एक और मैच करा है, और वो भी इन्होंने यही करा था, 2v1 करा था और 1v1 करा था, लेकिन ये फिर आज हार गए, बल्कि आज ज्यादा गंदा हारे हैं। तो भाई बेस्ट ऑफ लक, फिर कभी लड़ना हो तो। अब चलते हैं यार सीधा। भाई मैच 2 पे, ये वाला मैच तो हम जीत ही गए हैं, एक तो गेम लीव कर गया, एक कनेक्ट हुआ अभी।
contact with them. Be advised, hostile hunter killer drone. I'm down! Changing mag! Down! Enemy contact!
सो गाइस, जिस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो उसी दिन मेरे को ये मेल आई अभी 7 ऑलमोस्ट 8 ओ क्लॉक, टेक अ डीप ब्रेथ, फैंटम स्टूडियोज ये हिट 500 सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब से मेल आई है कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर। तो यार थैंक यू सो मच, ये 100 पे एक ऐसी मेल आई थी यार, बहुत मस्त लगता है ऐसा सब होता है। तो यार नेक्स्ट हमारा 1000 का, और यार थैंक यू सो मच फॉर 500 सब्स। सो यार कीप सपोर्टिंग, नेक्स्ट 1000 का करना है अब हमें, 1000 में भी शायद मेल आएगी। तो यार थैंक यू, यही था एंडिंग और लास्ट वीडियो को देखा है तो यार सही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।